chicken nuggets and seekh kebab and Heinz. ब्लैक लेबल का रिव्यू करने वाले हैं हम आज. ब्लैक लेबल का ये दूसरा रिव्यू है. मैंने पहले रिव्यू तब किया था जब मुझे विस्कीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो साल अलग था. 2020 बेकार साल, बेकार. 2022 बेकार साल, लेकिन मज़ेदार साल. पैसे तो बन रहे हैं भाई, कुछ तो बन रहे हैं भाई. हर चीज़ 40% बढ़ गया है, पर कोई बात नहीं. ब्लैक लेबल हमारे साथ है, अजूबा कुदरत का, अजूबा भगवान का, अजूबा वाहिगुरु का. और साथ ही साथ मेरे साथ है आज सम चिकन सीख कबाब एंड सम चिकन व्हाटचमा कॉल इट नगेट्स. सॉरी सेलिब्रेट करने के लिए, भूखा हूँ मैं, कुछ भी नहीं खाया सुबह से. तो दो मिनट दीजिए, लेट मी जस्ट ट्राई दिस चिकन सीख कबाब. स्मेल्स वेरी ऑर्डिनरी टू बी फेयर. This is not real chicken, this is mock meat. It's vegetarian plant-based meat. मजा आया तो लगा कुछ खाया, लेकिन ऐसा लग रहा है फ्रेंच फ्राइज का किसी ने सीख कबाब बना दिया. Not bad. It grows on you. मैं यूजली काफी धीरे खाता हूँ कंपेयर टू आवर मीटिंग, बट बिकॉज कैमरा इज ऑन. नगेट्स, चिकन नगेट्स, प्लांट बेस्ड चिकन नगेट्स. द सेम थिंग, जस्ट चिकन नगेट्स. कोई फर्क नहीं है. टेस्टी, ऑलमोस्ट लाइक वीगन नगेट्स. यार बड़े दिन हो गए, मैंने आधे घंटे का वीडियो नहीं किया, तो ये कम से कम 20 मिनट का वीडियो होने वाला है. आई एम सॉरी. अगर आपको कोई और रिव्यू देखना है किसी और का जो कम बोरिंग होगा, तो सॉरी, ये बहुत बोर करने वाला आप लोगों को. देख लो, कोई तो देख लो. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. आई एम गोना लीव द लिंक. वाओ, beautiful. ml का पैक बनाएंगे ब्लैक लेबल का. ओ बॉय, तबीयत देखिए इसकी. शायद ये दुनिया में कोई इतनी मधोश चीज़ है. प्रोफाइल से काफ़ी ऑयली, बट ऐसा लग रहा है पहली बार ज़िंदगी में इस ग्लास में कोई तबीयत की विस्की ने एंट्री की है. आप कलर देखिए, मतलब लाजवाब कलर है, बहुत अच्छी वाइब है इसकी. स्मेल्स लाइक आमंड्स, बटरस्कॉच, potato wafers. बहुत, देखिए बहुत सारी whiskies के बारे में हमेशा कहता हूँ spirited है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल perfect मात्रा में मुझे spirit लग रहा है. This is a 42.8% alcohol by volume whiskey. Sorry, this is a 40% alcohol volume. This is a limited edition design. मुझे नहीं पता था 40% की आती है black label, आज पता चल गया. वाओ, मतलब ये हिट भी नहीं किया. बहुत तमीज से फ्लो होती है, बहुत तमीज से पैलेट पे छाती है. इसका टेस्ट
स्मूथ रिफाइंड लग्जूरियस गोल्डन वनीला, थोड़ा बहुत पेयर्स का भी एसेंस आ रहा है इन द आफ्टर टेस्ट, बहुत रुबाबी। ऑल्दो ये स्पेस इट्स स्पेसाइड विस्की है तो इसके जो नोट्स हैं वो फ्लोरल होने चाहिए, बट ये बहुत माचो है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है। मैंने कई बार कहा है कि ब्लैक लेबल इज वन ऑफ द फ्यू विस्कीज विच इज ट्रूली टू डिमेंशनल, और ये बात सही है बिकॉज ये फ्लोरल एंड थोड़ी बहुत हनी एम्बर नोट्स होने के बावजूद आई थिंक ब्लैक लेबल में एक स्मोकी एसेंस है जो क्वाइट यूनिक है, क्योंकि ये हाईलैंड की विस्की है जो कि ज़्यादातर स्पेसाइड विस्कीज आर फ्लोरल, एंड येट आई थिंक इट सीम्स टू हैव अ ड्यूअल नेचर एंड अ ड्यूअल पर्सनैलिटी। और एक और बात कहूँगा, आपको अजीब लगेगा लेकिन 6 ड्रिंक के बाद ब्लैक लेबल रियली आपको हिट करेगी, मतलब ऐसा हिट कि आप कहेंगे यार अभी मेरे को ना शिविश चाहिए ना कुछ और चाहिए, आई ओनली एंड ओनली वॉन्ट ब्लैक लेबल, ब्लैक लेबल जैसे कि मैं इसको प्यार से कहता हूँ, बहुत सेक्सी विस्की है। और अभी तक तो मैंने इसका एक आइस एंड वाटर के साथ ड्रिंक भी नहीं बनाया जो मेरा फेवरेट ड्रिंक है, 60 ml आइस एंड वाटर ब्लैक लेबल, द वर्ल्ड इज स्पिनिंग मैन, ब्यूटिफुल, वेरी लक्शियस, वेरी गुड फ्लो, वेरी गुड आफ्टर टेस्ट, इट हैज़ अ बिट ऑफ अ बाइट, एक तरीके से खटास है इसमें जो बड़ी डेडिकेटेडली ऑसम खटास है, उसमें कोई दोगलापन नहीं है, इट्स क्वाइट वेल डन। हाँ, दोगलापन अंदाज है इसका, मतलब डुअल अंदाज है इसका, बट इट्स नॉट ट्राइंग टू फूल यू, इट्स नॉट ट्राइंग टू बी चीप फ्रॉम एनी एंड। आई थिंक ब्लैक लेबल इज कंसिस्टेंटली रिगार्डेड एज द बेस्ट विस्की इन इंडिया, एंड कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ इससे कि इंडिया की चॉइस बड़ी अच्छी है। आई थिंक इंडियन ड्रिंकर्स की चॉइस मेरे ख्याल से लाजवाब है, कोई भी शायद ही ऐसी कोई विस्की है जो मुझे पसंद नहीं जो फेमस है, सारी की सारी प्रसिद्ध विस्कीज आर वर्थ द स्पॉट, एंड ब्लैक लेबल मैन, दिल्ली लव्स यू ब्लैक लेबल, एंड आई एम नो डिफरेंट, आई एम टोटली दिल्ली। चलिए बर्फ डालते हैं और आते वापस। दोस्तों आज से नया सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसमें मैं बताऊंगा कि कवर कैसे ड्रिंक बनाता आपके लिए अगर आप मेरे घर पे आते। कवर कौन है? कवर बादशाह मेरा नाम है। तो ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया, आई थिंक इट्स अबाउट अ नाइस 50-60 ml पैग इसी ग्लास में मैं आपको देता। बर्फ में मेरे पास ऑप्शन सिर्फ राउंड बॉल्स की है, बट विद ब्लैक लेबल आई यूजली प्रेफर द अदर वन, बट कोई बात नहीं, बर्फ है, बर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही बर्फ यूज़ करें ब्लैक लेबल के साथ, क्योंकि बर्फ ही बनाती है ब्लैक लेबल को। हाँ, अगर आपने कभी एक्वाफिना की बॉटल में ब्लैक लेबल डाल के पिया है तो हाई फाइव टू यू। एंड अब मैं इसमें डालूंगा मेरे स्वाद अनुसार पानी जो आपके लिए भी बरकरार, आपका नाम कुछ भी हो आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो मैंने ये लिया, ये ठंडा पानी एकदम, और इसमें डाल दिया, देखिए 60 ml पानी, हमें 60 ml की ड्रिंक थी, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये ड्रिंक बन गया आपका। नहीं, थोड़ा शाई हो रहा है ये ड्रिंक, थोड़ा शाई हो रहा है। अब आप मेरे घर आए हैं तो थोड़ा बारूद पी के जाइए, थोड़ा और इसमें मैं ब्लैक लेबल डालता। पहला ड्रिंक है ना आपका, पहला ड्रिंक इज़ द बेस्ट ड्रिंक गेस्ट के लिए, तो आप मेरे घर आए हैं तो मैं ये टॉप अप कर देता और इसको मैं बैठने देता। मैं बताता हूँ आपको कितनी देर इसको बैठना चाहिए, आप अगर घर पे देख रहे हैं तो ये करेंगे तो मज़ा आएगा। 4 मिनट बैठने देता मैं इसको। अगर और भी जज्बा जुनून जवानी लेके आनी है तो बियर पीजिए इसके साथ, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आज हम बियर नहीं पीने वाले। तो भाई ये हो गए हमारे 5 मिनट्स टोटल, पहले 4 मिनट रखा था पर कुछ सही नहीं लगा मुझे, मुझे लगा यार 65 ml 70 ml की ड्रिंक बना रहा हूँ तो क्यों ना 5 मिनट वेट करने दो इसको। अब विथ वाटर एंड आइस इसकी स्मेल थोड़ी रिलैक्स हो गई है, थोड़ी डिस्पर्स हो चुकी है, जो थोड़े मॉलिक्यूल्स है वो डिस्पर्स हो चुके हैं। बट एनीवेज ये मैं ड्रिंक आपको पकड़ा था, और मान लीजिए आपका नाम है अकरम, हेलो अकरम, बैठे, थैंक यू कवर भाई, इट्स ओके अकरम, चीयर्स, चीयर्स कवर भाई, चीयर्स अकरम, अकरम के नाम।
वाओ, ये मुझे पहले करना था अपने चैनल पे। डूड ये ड्रिंक, इसे कहते हैं ड्रिंक, मतलब जो मिक्स हुआ है ऐसा लग रहा है गर्मी की सारी मदहोशी इसी में, इसी जाम में है। जो ये ठंडे जाम के साथ पानी मिक्स हुआ है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, सारी बुरी आदतें, सारी दिल की चिंगारी, सारे वर्च्यूज एंड वाइसेस, सब बाइज़ब बरी हो गई है दुनिया से। मैं इतना खुश हो रहा हूँ खुद का पहला ड्रिंक बना के यार। अब सोचिए पहला ड्रिंक ऐसा हुआ तो क्या कारनामे दिखा सकती है ब्लैक लेबल। अगर आप प्राइस की बात करें, ये दिल्ली में आती है 3,000 रुपये की बॉटल। ये इसकी ओरिजिनल लुकिंग बॉटल नहीं है, मेरे पास की 3-4 बॉटल्स पड़ी है ओरिजिनल वाले की, पर अभी वो हमारे पास नहीं है तो उसके जिक्र क्यों करें। ये इसकी कोई लिमिटेड एडिशन बॉटल है, यहाँ पे लिखा है मैटिया बियाजी। इसके ऊपर क्या लिखा है सब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। रुकिए एक मिनट, रुकिए। A unique collaboration between Johnny Walker and the artist Mattia Biaggi. मेरा भी एक दोस्त है Mattia Novello, who lives in Castelfranco, Italy. What's up, Mattia? How you doing, dog? A unique collaboration between Johnny Walker and internationally acclaimed artist Mattia Biaggi. The big bold flavors of Johnny Walker Black Label are bottle life with powerful visual stunning limited edition design. The perfect choice to celebrate your special occasions. This is a very good marketing technique. कि आप इसका लेबल थोड़ा बदल दें ब्लैक लेबल का। एंड आई लाइक दिस लेबल, इट्स अ वेरी बोल्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू इट। चाहे बेशक मैंने कभी ब्लैक लेबल 100 बार पी हो, इसमें पीऊँगा तो अलग ही हिट आएगी, अलग ही अंदाज आएगा। बिकॉज मैं कई बार कह चुका हूँ, द डिज़ाइन ऑफ योर बॉटल इज एवरी थिंग। शिवस इज नॉट शिवस बिकॉज शिवस इज शिवस, शिवस इज शिवस बिकॉज शिवस बॉटल लुक्स लाइक द वे इट डस। जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7 लुक्स लाइक इट नॉट बिकॉज इट्स एन अमेजिंग 40% विस्की बर्बन, but it's amazing because of the way the design looks. It is unique, it's tempting, it's everything. So the label of your bottle matters a lot, and this is an amazing intentional mind play with you guys. Cheers to Johnny Walker, the best brand of whiskey in the world. Be right back. Okay guys, this is my second drink. Cheers. I've let this one sit for approximately 4 or 5 minutes. ये वाला ड्रिंक थोड़ा फीका है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, शायद मैंने बर्फ़ ज़्यादा डाल दिया, शायद मैंने बर्फ़ बदली नहीं। एंड मे बी दैट बर्फ़, जब मुझे बर्फ़ के पानी के ज़्यादा की फील आ रही है, सो मे बी द नेक्स्ट ड्रिंक आई वॉन्ट चेंज द आइस, यू विल सी व्हाट आई विल डू। बट सेकेंड ड्रिंक में इतना मज़ा नहीं किया, फर्स्ट ड्रिंक में बहुत मज़े थे। Yeah, let me just finish this for you. Cheers. अब एक on the rocks बनाएंगे जिसको हम एक मिनट बैठने देंगे। मैंने ये कोई बात 30-40 ml डाल दिया है on the rocks। आता हूँ मैं।